करेंगे छत से स्टार्ट लाइटिंग। देन इसके बाद जब पूरा फाइनल हो जाएगा फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही माशाल्लाह से ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। अल्लाह करे कि बारिश हो जाए। सोचते हैं बिरयानी की तरफ। सभी मैंने दस्तरखान बिछा दिया है और लेके आई हूँ बिरयानी छोले वाला, और साथ में ये रहा चटनी और ये रहा सलाद। सभी स्टार्ट करते हैं खाना। खाना खाने के बाद मिलते हैं। और यहाँ पर लाइटिंग का काम चल रहा है। तो गाइस अभी लाइटिंग का काम चल रहा है और अभी इतना लाइटिंग हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा लाइटिंग किया हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से चश्मे बतूर। तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बस इतना सा एरिया कंप्लीट हुआ है और अभी ये वाला पोर्शन पूरा रहता है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद मैं आप लोगों को बाहर से गली से दिखाऊंगी। सो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ रूम के अंदर और यहाँ से भी लाइटिंग नज़र आ रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह चश्मे बदूर। वाओ यमी यमी। और वे पर सानिया परिया को जेली खिला रही है आंटी की जान। बस करो बस करो बस। और हम लोगों ने परिया के हाथों को भी मेहंदी लगवाई है और इस वाले हाथों को भी। हो भाई यमी यमी भी गए यमी यमी। और ये जेली निकाल के खा रही है। तो भाई सभी आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी की सफाई हो रही है। सो गाइस फाइनली गाड़ी की डेकोरेशन कंप्लीट हो गई और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है और सामने लाइटिंग भी और नीचे ये गाड़ी भी। और मैंने अपने हाथों को मेहंदी भी लगवाई है और ये रहा। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है और अभी टाइमिंग हो रही है 2 बजे। सभी मैं चलती वो खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद इंशाल्लाह कल मिलेंगे। सो फाइनली घर की भी लाइटिंग हो गई कंप्लीट। सभी मैं बाहर आई बाइक के साथ आप लोगों को दिखाने के लिए कि माशाल्लाह से कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सभी चलते हैं घर के अंदर। ज़बरदस्त नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइस। सो मैं उठ गई सुबह सुबह 6 बजे। तो ये बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है जो मैं उठी हूँ, क्योंकि आज है मेरे भाई की शादी। तो आप देख सकते हो कि सड़क पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी नहीं है। और मैं पहली इंसान हूँ जो उठी हूँ इतनी सुबह, और घर में भी अभी तक कोई भी नहीं उठा है, सिर्फ मैं उठी हूँ। और ये दिखाने के लिए कि मैं आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड भी, क्योंकि आज मेरे भाई की शादी है। सो ये रहा, इस साइड पे लाइटिंग भी किया है और दूसरी साइड से भी। मैं जाके आप लोगों को उस साइड से भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये रहा दूसरा साइड। और इतना अच्छा मौसम है, सुबह के टाइम इतनी अच्छी हवा चल रही है माशाल्लाह से, और परिंदों की आवाज़ से तो और भी मूड अच्छा हुआ। सभी मैं चलती हूँ नीचे, और लाइट भी चली गई है खैर से। तो मुझे नीचे जाना है और सबको एक एक करके उठाना है। नाश्ता करने के लिए दिन उसके बाद तैयार होंगे रुखसती के लिए, ना बारात लेके जाएंगे। और मैं सुबह ही सुबह चॉकलेट खाऊंगी। चॉकलेट खाते खाते मैं नीचे जाऊंगी। आप सब में से किसको पसंद है चॉकलेट? मुझे इतना पसंद नहीं है, बस कभी कभार जब मूड हो जाता है तो मैं खाती हूँ, अदरवाइज़ बहुत कम। सो चलते हैं नीचे की तरफ। चॉकलेट, चॉकलेट, वाओ। तो ये है हानिया, सुबह सुबह उठी है। हानी बेबी क्या कर रही हो? सो लाइट भी आ गई फिर से। सो चलते हैं नीचे। और यहाँ पर बैठ के सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, और पराठा मंगवाए हैं। और यहाँ पर सानी लेके आई है स्वीट्स। सभी सबसे पहले करेंगे नाश्ता। नाश्ता करने के बाद जाके रूम की सफाई करेंगे, सारी चीज़ें सेट करेंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सभी नाश्ता करते हैं। सो मैंने आम की कटिंग की है फरिया के लिए, तो मैं लेके जा रही हूँ। और यहाँ पर रिदा नाश्ता कर रही है, उसको लेके जाते ही रूम में। ये रहा अफ्तावा ताइदस्ती, ये अफ्तावा कल रात मैंने बेदामत से लेके आई हूँ। ये रहा बहुत क्यूट सा। और ये वाला 2 गिलास निकाला है शरबत के लिए, और ये वाला निकाला है लड्डू के लिए। सो सानी लेके जा रही है ऊपर। पहले मुझे नाश्ता करने तो दो। ये रहा मेरा एक निवाला, खा लो आराम से। बस जी नालचा और बालिश मुझे लेके। यहाँ पर हानी बेबी सो रही है, तो अभी मुझे जल्दी से ये रूम जल्दी से समेटना है, फिर वैक्यूम करना है और इस वाले रूम को भी वैक्यूम करना है। और अभी इस टाइम सानिया रिता के हाथों पे मेहंदी लगा रही है, वो भी ये वाला डिज़ाइन। अभी ये टाइम है लगाने का। मैंने सानिया को कहा था कि कल रात को कि मेहंदी लगाओ, मुझे नींद आएगी, लेकिन सानिया माशाल्लाह सानी मसरूफ़ थी, तो इस मसरूफ़ थी। हाँ। बाकी सब काम मैं करूँगी। और सानिया रिता के हाथों को मेहंदी लगाई थी, तो पहले कोई बात नहीं, शादी वाले घर में ऐसे छोटे मोटे काम होते रहते हैं। और खबर नहीं माँ, खबर नहीं हो तो इस रूम में नहीं जाना। अच्छा। तो इस वाले रूम की मैंने सफाई कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वाले रूम की भी मैंने सफाई कर ली। और हानी बेबी यहाँ पर सो रही है। सो गए सारे मेहमान आ चुके हैं तकरीबन। सोनी और बाहर गाड़ी भी खड़ा कर दिया है और इधर भी रेडी हो गई है, सभी चलते हैं अंदर। और अभी मैं आ चुकी हूँ बाई के कमरे में और यहाँ पर रखा है कुरान, साथ में पानी। और ये रहा इमाम जामिन जो कि अम्मी बांधेगी बाई के बाजू पे। और यहाँ पर बाई के शूज़, थ्री पीस, शर्ट्स वगैरह प्रेस करके हम लोगों ने रख दिया है। तो अभी ये सारे फ्लावर मुझे ऊपर लेके जाना है सेट करने के लिए, बर्फ लड्डू के लिए और शरबत के लिए टेबल सजाना है। सो चलते हैं ऊपर की तरफ। مانيش سطبي لفوق شوفوا كي وزنه شنو زياده مرتبه الغالي ياكي جرين ماي ماندا يا ديبا بستك بستك انا يدير مشي فوق فكيت ازق وفتك هذا كاسه तो सानी अभी रस्म के लिए ये घास डाल रही है, जब दूल्हा दुल्हन आएंगे तो बस ही सानिया। Aman durun, durun. Kameramen durun rafta. Biar buat juga, biar. Anak foto juga, tiga. Anak foto juga kan buat juga. Anak foto juga kan buat juga. Jada, jada. Sabar Maria. Shuk, 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 shuk. खाना हम लोगों ने खा लिया और अभी हम जा रहे हैं पॉलर, सो चलते हैं पॉलर की तरफ। पहले जंपिंग और भी